हास्य ने एक नई मूवी बनाई है, पूरी फिल्म 3 घंटे की फिल्म है। चला दो सर, 3 घंटे की फिल्म को और फिल्म बोलते हैं। आजकल शॉर्ट फिल्म का जमाना है, तो 10 मिनट की एक मूवी है। ये मूवी देखिए और आनंद लीजिए, और बाद में आपको ये मिलेगी और आप इसका उपयोग भी कीजिए। एक बार मूवी देखेंगे हम लोग। गजब सर। भाई आ रहा है तो पकवान बन रहे हैं, वरना रोज वही रूखी सूखी दाल होती। मम्मी जी, हमारे भाई को कोई डायबिटीज तो है नहीं, इसलिए उसकी पसंद का बना रहे हैं। वो बार बार क्या बीमारी है? अरे वाह, कुछ डॉक्टर ने आपको तला हुआ खाने से मना किया है, इसलिए भावना आपके सादा खाना बनाते हैं। और सेहत का ख्याल रखना है ना? हाँ हाँ हाँ, हमारी सेहत के साथ साथ अपनी जेब का भी ख्याल रखो, वरना पता है ना, लोग पैसे तो उधार लेकर जाते हैं पर साल साल भर तक लौटाते नहीं है। हमारे भाई ने कोई मौज मस्ती के लिए नहीं लिए थे आपसे पैसे, जाने की नौकरी चली गई थी, काम नहीं था उसके पास, इसीलिए लिए थे। और लौटा देगा वो आपको पैसे जब उसके पास होंगे तो? तुम हम पे क्यों इतना तप रही हो? आगे साले साहब। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे बस गिर गया। क्या बात है साले साहब, तुम्हारी तो पूरी गायब लग रही है, कहाँ नौकरी लगी? नौकरी नहीं जीजा जी, बिजनेस। अच्छा जीजा जी, ये आपके पास मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति, ये सब आपकी बात। अरे इतनी महंगी साड़ी, इतना सारा सामान, क्या जरूरत थी सर? दीदी, अभी तक मैं इस लायक नहीं था कि आप में कुछ भी ना सकते, पर अब आप तो बस आप देखते जाओ। रोहन, आज के टाइम में जब सब जगह इतनी मंदी है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतनी तरक्की है? वाह, देखो माँ, रोहन ने मेरे पैसे लौटा दिए और भावना के लिए राखी के गिफ्ट्स भी लाए। ये तो कोई उल्टा सीधा बिजनेस लगता है, नहीं तो इतनी जल्दी इतना सारा पैसा ईमानदारी से कमाना तो मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है मम्मी जी, मैं और रिया साथ मिलकर RCM से जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं। अरे ये तो वैसा ही काम हुआ ना, जहाँ लोगों को जोड़ा जाता है और 1,000 का चीज 2,000 रुपए में बेचा जाता है, वैसा ही है ये। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे मामा जी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लेके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, बोले थे बहुत बड़े रिटर्न आए, बड़े दिन कुछ पैसे आए थे, बाद में पता चला वो कंपनी भाग गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इस काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सही कंपनी की परख की जाए, और लोग अक्सर इसी में धोखा खाते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात, अगर आप ये जानते हुए कि कोई चीज 1,000 रुपए की उसे 10,000 रुपए में खरीदो किसी बड़े लालच के कारण, तो धोखा तो होना ही। और अक्सर हम शॉर्ट टर्म फायदे और किसी बड़े रिटर्न के चक्कर में ना ऐसा धोखा खा जाते हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही कोई पैसे जमा करवाने की जरूरत है, बस आप हाथों हाथ पैसे दीजिए और प्रोडक्ट खरीद लीजिए। बस RCM की सबसे बड़ी खूबी है उनके प्रोडक्ट्स की बेहतरीन क्वालिटी, जो आपको एकदम वाजिब दाम में मिलती है। जिन्हें आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। दीदी आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये टेबल पे जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ये सब RCM के प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए, ये खाने के तेल से लेकर ये नमकीन, ये कॉफी। माँ जी मैं आपको ना RCM की चाय बना कर पिलाती हूँ, फिर आप मुझे बताइए। RCM के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए सेहत के लिए बेस्ट है। जैसे इसका खाने का तेल 100% राइस ब्रैन ऑयल है, जिसे डॉक्टर और विशेषज्ञों ने सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया, और तो और इसे खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है।
इसके बिस्किट्स बच्चे चाहे जितना भी खा सकते हैं, क्योंकि उनमें मैदा नहीं आता होता और बटर की जगह राइस ब्रांड ऑयल यूज होता है, यानी कि जीरो कोलेस्ट्रॉल। न्यूट्रीचार्ज एक बहुत बड़ी फूड सप्लीमेंट्री है जो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता को पूरी करती है और हमें आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी फिट एंड फाइन बनाए रखते हैं। इसके और भी कई सारे गुणकारी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन कब तक टिकेगी ये कंपनी? मम्मी जी, ये कोई आलू चालू कंपनी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की सबसे जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो पिछले 20 सालों से लाखों डॉलर कमा रही है। RCM की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 2500 से ज्यादा एम्प्लॉयज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। RCM में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। RCM का मानना है हेल्थ सेविंग तो लाइफ सेविंग। RCM की आरजी टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में RCM के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। RCM के पास सभी प्रोडक्ट्स में फुली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है। हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए RCM का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में खुला है। यहाँ पर स्थित है RCM प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली है। इतना ही नहीं, RCM के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रेनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में RCM बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर RCM के प्रोडक्ट उपलब्ध है और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। RCM का उद्देश्य है कि बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया। कंपनी की सबसे अच्छी जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में 2 नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक बात ये कि जैसे आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो RCM के मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 8,500 सेंटर्स और प्रोडक्ट्स जितना चाहे उतना काम कर सकते। एक सेकंड में दिखाता हूं। पहले मेनू पर क्लिक करें फिर वर्ल्ड ऑफ RCM में जाएं।
फिर डिलीवरी सेंटर में जाकर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और आपको फिर वहाँ के सभी सेंटर की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब RCM का सारे प्रोडक्ट्स इसके सेंटर पर ही रखे जाते हैं? हाँ दीदी, RCM के सारे सेंटर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। हमारी खरीद का सारा हिसाब किताब आप अपने मोबाइल फोन पे RCM के ऐप पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। मतलब ना किसी ऑफिस की जरूरत, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की और ना ही पैसे डूबने का खतरा। बिल्कुल, अब बस हम पर निर्भर करता है। हम जितनी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे उतनी हम कमाई कर सकते हैं। इस कंपनी ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। जहाँ मुझे और रोहन को गली के बाहर कोई नहीं जानता था, आज हम जहाँ पे भी जाते हैं इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। इतना सम्मान मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, जिंदगी में और क्या चाहिए। ये देखिए, हमने हमारे ड्रॉइंग रूम में RCM के प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाया हुआ। एक बार हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था, अब बस वहीं से सबको प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी एक सहेली और मेरी एक कानपुर की सिस्टर है उसकी शादी में RCM के प्रोडक्ट्स ही भिजवाए थे। इतना अच्छा फीडबैक मिला, यहाँ तक हलवाई ने भी ना RCM के खाने के तेल की बहुत तारीफ की, क्योंकि इसके तेल से आप मिठाई भी बना सकते हैं। एक चीज बताओ, इस काम के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? अरे हाँ, ये एक और बहुत बड़ी बात। मेरा एक दोस्त है अमित, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसके पिताजी का निधन हुआ। उसके पिताजी RCM के साथ जुड़े हुए और उनको एक लेवल हासिल हुआ। उनके निधन के बाद अमित को वही लेवल मिला और आज सिस्टम की बदौलत वो एक बहुत बड़ा आदमी है। मुझे RCM ज्वाइन करने का चांस उसकी वजह से मिला। अगर ऐसा है तो फिर इस काम को घर बैठे मैं भी कर सकती हूँ और इसमें तो कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है। क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ RCM